good morning students in today's lecture we will discuss about the anatomy of the paranasal sinuses and we'll talk about the frontal sinus in detail so sinus is uh, paranasal sinuses they are air filled cavities they are lined by the respiratory epithelium they are located within some bones of face and skull फेस और स्कल के बोन्स में ये लोकेटेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द नेजल कैविटी थ्रू ओपनिंग्स और ये ओपनिंग्स लोकेटेड हैं नेजल कैविटी की लेटरल वॉल में सो दीज आर द वेरियस नेजल साइनसेस पेयर्ड होते हैं ये साइनसेस सिमेट्री मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एंड दे ऑलवेज बाइलेट्रल दोनों साइड्स पे ये होंगे दे आर फोर इन नंबर फ्रंटल साइनसेज मैग्जलरी साइनसेस साइनसिस एंड एथमॉइडल दीज आर द फोर टाइप ऑफ साइनसिस दैट इज द फ्रंटल द मैग्जलरी दथेमोइडल एंड दिनल फ्रीजल साइनसिस का जो नाम है जो नॉम क्लेचर है वो उन फेशल बोन्स के नाम पे है जिनमें वो लोकेटेड है दैट इज फ्रंटल बोन में लोकेटेड है फ्रंटल साइनस मैग्जिला में लोकेटेड है मैग्लरी साइनस स्फिनॉइड बोन में लोकेटेड है स्फिनॉइडल साइनस और एथमॉइड बोन में लोकेटेड है एथमॉइडल साइनस तो इनका जो नाम है वो इनकी बोन से आता है अगर ऑर्बिट से रिलेशन देखी जाए इन चारों साइनसिज की तो जो साइनस ऑर्बिट के आइज़ के ऊपर हैं अबव द आइज है सुप्रा ऑर्बिटल है दे आर द फ्रंटल साइनस जो आइज़ के नीचे हैं इन्फ्रा ऑर्बिटल हैं दे आर द नाइजलरी साइनस आइज़ के पीछे के साइड पर पोस्टीरियर टू दर्बिट हैं साइनसेस और दोनों ऑर्बिट्स के बीच में हैं साइनसेस। फंक्शन है साइनसेस का कि ये दे मेक द स्ल लाइटर इन वेट जो इंस्पायर्ड एयर है उसको हीट अप करते हैं वार्म करते हैं ह्यूमिडिफाई करते हैं क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है रेस्पायरेटरी एपिथीलियम से लाइंड है और रेजिनेस एड करते हैं वॉइस को एक एक प्रोलॉन्गेसन uh, देते हैं एक डेप्थ देते हैं फुलनेस देते हैं जो साउंड है उसको और यही एक रीज़न है कि जब साइनसिज़ इन्फेक्ट होते हैं तो जो पेशेंट हैं उनकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी अल्टर हो जाती है डेवलपमेंट की अगर बात करें तो साइनस जो हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ कई बार एबसेंट होते हैं या फिर रिडिमेंट्री होते हैं रिडिमेंट्री इज़ इन डेवलपमेंट इतना अच्छे से डेवलप नहीं होते जो प्रॉपर डेवलपमेंट प्रॉपर एरेशन प्रॉपर एनलार्जमेंट है साइनसिस का वो होता है बाय द एज ऑफ सिक्स टू सेवन ईयर्स और वो टाइम जब परमानेंट टीथ का इरप्शन हो रहा है एंड देन प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी इनका एनलार्जमेंट ज़्यादा होता है एडल्ट लाइफ में मैगजलरी एंड एथम साइनस जो है वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड मैगजलरी साइनस इज द फर्स्ट साइनस टू डेवलप स्फिनॉइडल साइनस जो है बाई द एज ऑफ थ्री ईयर्स डेवलप होते हैं एंड फ्रंटल साइनस डेवलप होता है लास्ट में सबसे बाई द एज ऑफ सिक्स ईयर्स एंड एरेशन जो है इन साइनस का वो बाई द बाई सिक्स टू सेवन ईयर्स ऑफ एज ही होता है ये है अलग अलग साइनस की रिलेशन नेज़ल कैविटी के साथ में फ्रंटल साइनस है ये इसकी ओपनिंग है यहाँ पे नेज़ल कैविटी के लेटरल वॉल में एथेमोडल साइनस की ओपनिंग है देन मैगलरी साइनस की ओपनिंग है एंड देन फिनोडल साइनस की ओपनिंग है तो ये साइनस कैसे रिलेटेड है लेटरल वॉल से और नेजल कैविटी से सो फ्रंटल साइनस फ्रंटल बोन में है डीप टू द सुपर सीलेरी आर्च सुपर सीलरी आर्च के बारे में हम बात कर चुके हैं जब हमने कॉरिगेटर सुपर सीलरी मसल के बारे में डिस्कस किया था एग्जैक्टली इट इज़ लोकेटेड या इसका जो एक्सटेंट है तो अपवर्ड्स अबव द मीडियल एंड ऑफ द आईब्रो आईब्रो का जो मीडियल एंड है वहाँ तक एक्सटेंड करता है और बैकवर्ड्स इट एक्सटेंड्स इन टू द मीडियल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट सो दिस इज़ द फ्रंटल साइनस बैकवर्ड्स अगर बात करें तो जो रूफ है ऑर्बिट की इसके मीडियल पार्ट में एंड अपवर्ड्स दिस इज अपवर्ड्स ये मीडियल एंड ऑफ आईब्रो तक एक्सटेंड करता है एंड Backwards in the medial part of the roof of the orbit. Again, this is the image. Uh this shows the frontal sinus, frontal bone man, deep to the superciliary arches, medial end of the eyebrow, upwards or backwards. This is the this inner upward portion of the orbit is the roof. This is the roof of the orbit, the medial part of the roof of the orbit is the medial part towards the nasal side frontal sinus ki opening hoti hai? into the middle meatus at the anterior end of hiatus semilunaris either through the infundibulum of the hiatus semilunaris or through the frontonasal duct in this you can see this is the opening of the frontal sinus in the middle meatus and at the anterior end of the hiatus semilunaris दो होते हैं राइट एंड लेफ्ट बाइलेट्रल साइज में अनईक्वल हो सकते हैं और रेयरली ऐसा हो सकता है कि एक या दोनों जो फ्रंटल साइनस हैं वो एबसेंट भी हो सकते हैं एवरेज इनकी हाइट वेट एंटीरियर पोस्टीरियर डेप्थ की बात करें तो इट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ईच बेटर डेवलपमेंट होता है फ्रंटल साइनस का इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रंटल साइनस का सेम है जैसा कि लिफेरिक ड्रेनेज है एंटीरियर हाफ ऑफ द निजल सेक्टम एंड द एंटीरियर हाफ ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोट्स क्योंकि ये भी एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइटस में लोकेटेड uh, है कहीं ना कहीं तो इनका जो लिंफ है वो ड्रेन होता है टू द सम मैंडिबुलर नोड्स एज फार एज द नर्व सप्लाई इज कंसर्न इट इज बाई दूपरा ऑर्बिटल एंड दी सुपरा ट्रॉकलियर नर्व्स क्योंकि ये ऑर्बिट के ऊपर है इनकी लोकेशन भी क्या है अबव द आईज सो इनकी नर्व सप्लाई भी इट इज़ सुपरा ऑर्बिटल एंड सुपरा

तो इट इज़ ईजियर टू मेमराइज क्लिनिकल एनाटमी ऑफ पैरानेसल साइनसिस इन साइनसिस में अगर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें स्वेलिंग आ जाएगी इन्फ्लोमेशन हो जाएगा और उस कंडीशन को बोला जाता है साइनोसाइटिस कॉमन सिम्टम्स जो साइनसाइटिस के पेशेंट सफ़र करते हैं हेड एक पर्टिकुलरली जहाँ पर साइनस लोकेटेड है जिस साइनस में इन्फेक्शन है उस लोकेशन के हिसाब से भी पेन हो सकता है हेड एक इज कॉमन नेज़ल डिस्चार्ज विच इज़ परसिस्टेंट कंटिन्यूसली उसको नेजल डिस्चार्ज बना रहेगा विच इज़ थिक एंड थेंट पस लाइक डिस्चार्ज होता है